और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे क्लास में। बहुत दिन बाद हम एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं जो आपकी स्टडी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी, मतलब आपकी कैपेसिटी अब बढ़ाने वाली। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने बाद आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ते बहुत लोग हैं, बहुत तरीके से पढ़ते हैं, मगर आप जानते हैं जैसे GS का पोर्शन ही हो गया, इंग्लिश हो गई या फिर रीजनिंग हो गई, ये सब चीज़ें क्या हैं, माइंड को रिन्यू करती हैं, मतलब उसके दिमाग की क्षमता को, हमारे दिमाग की क्षमता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। पर यदि इसको हमने गलत तरीके से ले लिया तो ये हमारी क्षमता को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। आपने से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं, हम अभी पढ़ते हैं हम 10 मिनट बाद भूल जाते हैं, तो वो कोई और नहीं है, नेचुरल बात है, ये सभी के साथ होता है। पर यदि आपने कुछ यूनिक तरीका बना लिया याद करने का, तो मेरा विश्वास मानिए आप कोई भी चीज़ जल्दी से जल्दी भूलने वाले नहीं हैं। और यदि आप तरीका बनाने में सक्षम है तो ठीक है, और यदि सक्षम नहीं है तो इस वीडियो को आप देखिए, ये ट्रिक आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगी, आपके पढ़ने का तरीका चेंज कर देगी, आपके सोचने का तरीका चेंज कर देगी, और आप बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कि आप कितना भी स्टडी पोर्शन क्यों ना हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी ही क्या कर लेंगे, इन्हेंस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो इसे शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर देना भैया। ठीक है, आप शेयर नहीं करते सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखो ये जो ट्रिक है मैं अप्लाई कैसे करूँगा, पहले मैं बता दूँ। देखो मैं यहाँ पर एक पेज ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई करके बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे ये है, ये जितने भी नेशनल रिजर्व्स हैं मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अब जैसे आप लोग पढ़ते हैं मणिपुर में कैबुल नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क है, असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी। अब ऐसे आप याद रखेंगे, याद हो जाएंगे, एक दिन याद रहेगा, दो दिन याद रहेगा, मगर तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। बहुत अच्छी मेमोरी है तो शायद चौथे दिन भूल जाएं, पर आप भूल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यदि मेरी ट्रिक आप अप्लाई कर देंगे तो मैं आपसे श्योर श्योर कह सकता हूँ आप एक हफ्ते तक ये भूलने वाले नहीं हो। यदि आपने बैठे ही बैठे इसको रिवाइज कर लिया तो ये आपके बहुत समय तक स्टोर होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो एक्चुअली क्या करते हैं कि जब भी हम कोई याद करते हैं ना, तो हम लोग क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में याद करते हैं। जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में कवर कर लिया, आपने वो वीडियो ना देखो देखी जाकर, हमने कुछ लेक्चर बनाए जिसमें फेस का मैंने बनाया, उसमें मैंने बताया कि हमारी मेमोरी एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी होती है, मतलब हमारी मेमोरी पिक्चर में स्टोरीज में चीज़ें याद रखती है। तो हम चलो स्टोरी बनाते हैं। देखो हम बात करते हैं मणिपुर की। अब देखो कैबुल, तो मैंने एक स्टोरी बनाई कि एक लड़की है सिरोही, और सिरोही से मैं कहता हूँ कि सिरोही क्या बोलती है, मणिपुर चलेगी? ठीक है, ध्यान सुनिए, सिरोही क्या बोलती है, मणिपुर चलेगी? तो सिरोही बोलती है हाँ भैया चलूँगी। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई, सिरोही कैबुल मणिपुर चलेगी। तो मतलब हमारी ट्रिक क्या हो गई कि सिरोही आके एक स्टोरी बन गई कि सिरोही एक लड़की है, कैबुल मतलब मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या बोलो, कई बोलो, ये देहाती भाषा है, और मणिपुर क्या हो गया, एक राज्य हो गया। ठीक है, तो सिरोही कैबुल मणिपुर चलेगी, पहले ट्रिक। ओके, तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रख लिए कि सिरोही कैबुल नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क है, कैबुल भी नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक है, चलो दूसरे में चलते हैं। अब देखो जरा असम में, अब देखो असम में क्या हो गया, चार नेशनल पार्क आ गए। अब इनको कैसे याद करेंगे कि हम याद करेंगे असम में के औरंग में, ध्यान समझो, असम के औरंग में मानस जो मनुष्य हैं वो काजी से सलाह लेकर नामकरण करते हैं। फिर से समझो कि असम के औरंग में मनुष्य जो है, यानी मानस जो है, काजी से सलाह लेकर नामेरी मतलब नामकरण करते हैं। याद हो गया कितना आसान है कि असम के औरंग में मनुष्य जो है काजी से सलाह लेकर नामकरण करते हैं। तो माँ से मनुष्य से मानस हो गया, काजी से काजीरंगा हो गए, और नाम से नामेरी हो गया, और औरंग एक नेशनल पार्क है। तो इस तरह से आप चीज़ों को और अच्छे से इन्हेंस करते हैं। चलो एक ट्रिक और देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ है ये नहीं, एक और कर्नाटक। अब कर्नाटक में क्या है, वैसे तो है बहुत, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ, नगर होल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख
राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो कर्नाटक में जो है, कर्नाटक के नगरों में बहुत ज़्यादा होल है जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कुद्र क्रोध आप समझते हैं ना, क्रोध को आप ऐसे ही कुद्र को थोड़ा क्रोध की फॉर्म में ले लिए। तो जो कर्नाटक के नगरों में होल बहुत है जिसके कारण वहाँ के लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये भी एक ट्रिक बन गई। तो कर्नाटक में क्या होगा, नगर होल राष्ट्रीय उद्यान है और कुद्रे मुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज़ें क्लियर होगी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत, ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो हम दो दो मिनट की ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेके आएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में, इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब जैसे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा आप जानते हैं, तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो ये वाला जो है हिस्सा, ये त्रिपुरा है। अब त्रिपुरा में क्या होता है, त्रिपुरा एक तरह का बाईपास है, कहाँ है, इंडिया का क्या है, बाईपास है। यदि इस बाईपास को पार करेंगे तो मेहमान हो जाएगा। तो पहली चीज़, पहला क्लियर होगा, बाइसन, बाइसन मतलब बाईपास, बाईपास नेशनल पार्क कहाँ है, त्रिपुरा में। इसके बाद क्लाउड है, तो भाई क्लाउड, क्लाउड क्या होता है भाई, बादल होता है। तो आप इस तरह से थोड़ा याद रखिए कि जो बाईपास पे बादल बहुत ज़्यादा होते हैं और वो है कहाँ पर, त्रिपुरा में। कहाँ पर है, त्रिपुरा में। इस तरह से थोड़ा सा आप याद रखिए, बहुत आसान चीज़ों को याद रखना। अब एक और हम लोग थोड़ा देखते हैं, जैसे ये राजस्थान वाला। अब राजस्थान में जैसे है केवलादेव, रथम्ब, सरिस्का। अब देखो राजस्थान के, राजस्थान में ही केवल देवता पाए जाते हैं, वो भी कहाँ, रणथुम में। राजस्थान में केवल देवता पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पर, रणथुम में। अगर यदि वहाँ नहीं मिलते तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, सरिस्का हमको जाना पड़ेगा, जो राजस्थान के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। फिर से समझते हैं, राजस्थान के, राजस्थान में ही केवल देवता मिलते हैं, वो भी कहाँ पर, रणथुम में। और यदि रणथुम में देवता नहीं मिलते तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सरिस्का में। तो राजस्थान केवला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसके बाद रणथुम राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये तीन क्या हो गए, हमारे यहाँ से कवर हो गए। कहाँ पर है, राजस्थान में। अब इसके बाद केरल आप जानते हैं, साइलेंट वैली और पेरियार, ये दोनों ही क्या है, पेरियार एक नदी भी है और साइलेंट वैली आप जानते हैं, केरल को जाना ही जाता है साइलेंट वैली के नाम से। अब उत्तराखंड में आ जाते हैं, उत्तराखंड में क्या ट्रिक बनाएंगे, तो उत्तराखंड में क्या बनाएंगे भाई, राजा ने नंदा देवी को फूलों की गुच्छा देकर के प्रसन्न किया। एकदम सिंपल सा, कोई दिक्कत है नहीं कि राजा ने नंदा देवी को फूलों को गुच्छा देकर के उसको प्रसन्न किया। कहाँ पर, उत्तराखंड के सुहाने मौसम में, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिकें बना बना करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर सकते। आप सोचे होंगे आप हर एक की ट्रिक आप हम कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप नहीं बना रहे तो नीचे कमेंट करिए हमें, आप अपनी, यानी आप यदि जो क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप उसको नीचे कमेंट करिए। यदि आप क्वेश्चन भेजना चाहते हो, हमारा नीचे ग्रुप दिया है, उस पर आप आकर के जुड़ जाइए, वहाँ पे अपने क्वेश्चन भेजिए, हम उसकी ट्रिक बनाकर आपको भेजेंगे। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है, तो आप चाहें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं हर जगह, ठीक है। और फिर से कहूँगा, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट वीडियो, जो वीडियोज़ सच में कामगर हैं, वैल्यूबल है, वो मैं आपको ऐसे धीरे धीरे लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।